हेलो गाइस, कैसे सब? सभी लोग वेलकम यू ऑल इन हिमांशु व्लॉग्स। सो भाई, मुझे पता, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के सॉरी आप लोगों से, इतने दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ। वो एक्चुअली गाइस क्या है ना, जिन लोगों ने मेरे को जानते हैं, जिन लोगों ने मेरा मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, लास्ट मेरी मॉम वेलकम वाला, तो उनको पता है कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। देन उसके बाद ना गाइस सिचुएशन थी ना कि मम्मी के पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो मम्मी के पास हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता था। तो उस टाइम पर यार तुम्हें पता है ना कि अगर घर पर कोई प्रॉब्लम चल रही है और फिर ना व्लॉग बनाने में ना मन नहीं लगता। मैं मानता हूँ उस चीज़ के लेके मैं लेट हो रहा हूँ, 2 महीने बाद व्लॉग आ रहे हैं, पर गाइस आज जो मैं लेके आ रहा हूँ ना आप लोगों के लिए फुल ऑन मस्ती है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो हाँ जी गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने पापा जी के साथ उत्तराखंड। फुल ऑन एक्साइटमेंट है क्योंकि भाई इतने मजा आने वाले ना। पहले लास्ट टाइम मैंने जब आपको जून का दिखाया था, जो मेरा पहला व्लॉग था ना गुजापुरी वाला, अगर किसी ने नहीं देखा ना तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हर जगह मिल जाएगा आपको, तो जाओ और जाके देखो। और दूसरी बात यह है कि सर्दियों का मौसम है गाइस। लास्ट टाइम हम गए थे अपने जीजा जी की गाड़ी में, तो ज़्यादा आपको एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट इस बार जा रहे हैं हम बस से, मैं और मेरे पापा। तो प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से बस मिलेगी, कितना फेयर रूट है, कहाँ पर रुकती है, कितने बजे पहुँचा देती है। और उसके बाद गाइस कल सुबह पहुंच जाएंगे ठंडी ठंडी में, अर्ली मॉर्निंग, अपने गांव के नीचे जो मेन रोड होती है ना, चम्बा के आगे डाबरी हमारा गांव है, उसके नीचे जो मेन रोड है वहां पे पहुंच जाएंगे। और वहां से सुबह 6 या 5 बजे जब हमें बस छोड़ेगी ना, ठंडी कुल्फी जमाने वाली ठंड में हमें जाना है 4 किलोमीटर अपर ट्रैक। दैट मीन्स कि ऐसी ऐसी तो रोड, ऐसी रोड कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, उसके बाद चढ़ाई है भाई, मजा आने वाला। मतलब आप लोगों को ना फुल ऑन एक्साइटमेंट दिखा, मतलब मेरे अंदर तो बहुत है, क्योंकि मैंने अभी नाइट शिफ्ट करी है और आपको मेरे फेस से लग नहीं रहा होगा कि मैं नाइट शिफ्ट करके आऊँ, और उसके बाद से भी इतनी एक्साइटमेंट है फेस में, मतलब मजा आने वाला है यार। मतलब मेरे को तो मजा आने वाला है, इतना टाइम बाद मतलब व्लॉग बना रहा हूँ, वो भी देखो देखो वादियों में जा रहा हूँ, 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले मेरे को ना इंस्टाग्राम में डीएम आता, किसी बच्चे का था, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का, भाई का मतलब पता नहीं, डीपिन लगा रखी थी, कह रहे भैया आई एम वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स, आप अपने व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो, कब डालोगे? तो भाई मैं उसको बोल रहा हूँ इस वीडियो में, थैंक यू सो मच मेरे को याद करने के लिए, क्योंकि एक अकेला वही भाई था जिसने मेरे को डीएम किया इंस्टाग्राम में कि भैया आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। सो भैया भैया छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, जितने भी मैंने मतलब जिसने भी वो मैसेज किया था, थैंक्स, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आपके लिए ये वाला व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, अगर अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ देखना। और फिर मिलते हैं, अभी छोटी मोटी मतलब पैकिंग वगैरह करनी है, मतलब कपड़े वपड़े रखने हैं सर्दियों, क्योंकि जैकेट वगैरह तो रखनी पड़ेगी ना, ठंड है ऑफकोर्स, ऑब्वियसली कड़ाके की ठंड होने वाली है। सो भाई कोई बात नहीं, चलते हैं, सामान वामान लेके आता हूँ, पैकिंग करते हैं, उसके बाद फिर टी 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 आ जा। को व्लॉगिंग करनी है और ये अभी तक सो रहा है विकी। विकी 7 बज चुके हैं, जाना नहीं है उत्तराखंड? 4 बज रहे हैं, अभी तो सो रहा हूँ। टाइम देख तू, पहले खड़ा देखो गाइस, उत्तराखंड दिखाएगा ये आपको सुबह सुबह। गाइस ये मेरे को सोने नहीं दे रही है, गाइस मैंने नाइट शिफ्ट करी है, ये पहुंच गया उत्तराखंड और ये मजाक कर रही है मेरे साथ। 4 बज रहे हैं अभी, फिर कोई सही 7 बज रहे हैं, तो टाइम देख ले, मैं मजाक कर रही हूँ। मम्मी टाइम क्या हो रहा है? मम्मी खतरनाक वाली नींद आ गई थी, सो गया था, नाइट शिफ्ट करी थी ना, इस वजह से नींद तो आएगी यार ऑब्वियसली, सुबह सोया नहीं था, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट व्लॉग तो बना दिया बट नींद आ गई थी। तो भाई मैं 3 बजे सोया था, मेरे को लगा कि अभी 4 ही बज रहे, भाई बहन आई, बहन ने उठाया, बोला तू 7 बज गए, तेरे को जाना नहीं है, तेरे को कपड़े वपड़े पैक नहीं करने। मैंने कहा 7 बज गए, मैंने सोचा मम्मी, मैंने कहा मम्मी बहन मजाक कर रही है मेरे साथ। फिर मैंने अभी टाइम देखा, ओ भाई साहब तो लेट हो रही है। अब थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है गाइस, क्योंकि पहले हम जा रहे थे बस में, अब बस नहीं आ रही है, अब हम जा रहे हैं टैक्सी में, जो छोटी कार होती है, स्विफ्ट हो गई, इंडिगो डिज़ायर हो गई, ऐसी कोई गाड़ी होती है ना वो वाली, बुकिंग्स वाली। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि पापा की आजकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, जरा सी मतलब थोड़ा जैसे कि होता है पेन वेन होता है ना बैक वैक में, बैक एक वो वाला सीन है। तो यार पापा ने कहा बस में कंफर्टेबल नहीं होगा, तो हमने कहा गाड़ी में चलते हैं। मैंने ठीक है, और गाड़ी का जो किराया ना गाइस, आजकल इस टाइम पे कोविड सिचुएशन के बाद जो गाड़ी का किराया, उनके रेट बहुत हाई हो गए हैं। वहाँ से 600 रुपये किराया जाता था ना, मतलब दिल्ली से लेकर चंबा तक का 600 रुपये किराया, और वो सीधा जंप करके हाई एकदम 1000 रुपये हो गया।
1000 रुपये में तो यार बंदों का आना जाना हो जाता था, अगर बस में जाओगे ना तो 1000 रुपये में आना जाना हो जाएगा बड़े प्यार से, बट क्या करें यही सिनेरियो, अब क्या कर सकते हैं ना। चलो कोई लोड नहीं, मिलते हैं उत्तराखंड से मिलते हैं। और भाई फुल ऑन एक्साइटमेंट, अब जाता हूँ अपने कपड़े पैक करता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, नहाता धोता हूँ, नहाऊँगा तो नहीं ठंड हो रही है, बट अब मुँह हाथ धोता हूँ और मिलते हैं फिर पैकिंग के बाद। यो भाई ये देख रहे हो सर्दियों के कपड़ों का क्या हाल बना हुआ है भाई साहब, ये देखो जैकेटें जैकेटें जैटी है, छांटो 25 एसएन में सेल लगी है, छांटो 25। ये स्वेटर ने सब ऐसे रखे हैं क्या, हमें को कमेंट करके बताना गाइस आपके घर में भी ऐसी रखी रहती है दीवान के अंदर जैकेटें आपकी सर्दियों की, तो मेरे को अभी इसमें ढूंढनी पड़ेगी कौन से मेरे लिए अच्छी है, उसके बाद फिर पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं अपने शहर के लिए। ये मेरी मम्मी ही एक ऐसी इंसान है इस घर में जो मेरी व्लॉगिंग को सपोर्ट करती है, कैमरा शाइन नहीं है, कैमरे के सामने आती है, आप लोगों के सामने आती है, आप लोगों को प्यार करती है। एक बार फ्लाइंग किस कर दो ऑडियंस को, बोलो बच्चों मैं अब ठीक हूँ, ठीक है, और बस थोड़ा थोड़ा पेन तभी भी होता ही है यार, और मेजर ऑपरेशन हुआ था, आपने स्क्रीन शॉट तो देखे होंगे लास्ट ब्लॉग में, है ना, 4.5 किलो की रसूली निकली थी। सुनो कोई बात नहीं मम्मी, अपनी फैमिली है, ऐसे प्यार कर दो, बोल आई लव यू गाइस, बोल दे बार आई लव यू गाइस, ठीक है बस यार मम्मी ने बस मम्मी ठीक होती है ना तो सब कुछ ही करता है। अब थोड़ा बहुत अच्छा फील होने लगा था तो हम गाँव जा रहे हैं। मम्मी आपको मेरी याद नहीं आएगी 2 दिन के लिए, आएगी बिल्कुल के अंदर से घरी घरी बिकल करी, बेटा 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 ही होता है, ध्यान रखना, बताना जरा इनको, अरे तू जाना। ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा है, और जो ये वाला जो हिस्सा है ये पाखली वाली है, हमारी पाखली है उत्तराखंड की, जिसे कहते हैं गढ़वाली पाखली, ये पापा पहनेंगे, पजामा वजामा सब उनके हैं, जैकेट यहाँ टंग रही है, और मिलते हैं फिर, अपना बैग वैग सब रेडी है हमारा, मैं आपको बैग दिखाता हूँ, ये हमारा बैग भी रेडी है, ये मेरा ब्रश और कोलगेट भी रेडी है। सो भाई जस्ट अभी मेरे को अभी गाड़ी वाले अंकल का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे को बाहर रास्ता नहीं मिला तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ बाहर, उसके बाद वापस आऊँगा और फिर सामान वामान रखते हैं और फिर निकलते हैं अपनी वादियों के लिए, है ना, मज़ा आने वाला भाई, फुल टू फुल फुल मतलब फुल मस्ती वाला ब्लॉग होने वाला है, एकदम मस्ती वाला इसलिए नहीं क्योंकि अपने वो लोग ज़्यादा है नहीं, पापा कैमरा शायद पापा कैमरे के सामने आते नहीं है, मैं लगा रहूँगा आपको, मैं दिखाने में लगा रहूँगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। सो भाई किधर है, अच्छा ये रे अंकल जी, ये रही अर्टिगा, ये रही यूके टूर एंड ट्रेवल गाड़ी खड़ी है, मिलते हैं अंकल। तो भाई गाइस फाइनली हमने अंकल मिल गए, अंकल जी हाय कर दे बार कैमरे में, है ना, आज अंकल भैया जी सॉरी अंकल जी कह रहा हूँ भैया जी, आज हमें अपने उत्तराखंड लेके जाने वाले हैं, ठीक है, बेस गेट से अंदर लेना, फिर फटाफट से सामान वामान रखते एकदम फिर चलते हैं आराम से मजे से, भैया आगे ही बैठूंगा मैं आपके साथ, सोऊंगा नहीं बिल्कुल एकदम, कार मजे से उतर जाएंगे एकदम, रुक रुक के आराम से हल्के हल्के गढ़वाली गाने लगाते हुए मजे से, है ना, फिर मिलते हैं सीधा सामान रखने के बाद। अरे व्लॉग में भाई कर दी बार फटाफट, चलो मैं ना निकल भाई, ये तो कैमरा शायद आती नहीं है, ठीक है, ओके मैं भाई कर दे और हमको सारे सबको भाई कर दे, बोलो भाई हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी बाय। देयर्स नॉट मच टू डू व्हेन ऑल आई कैन इज थिंकिंग अबाउट यू नॉट डूइंग वेल डोंट नो वेयर यू आर। So guys, ये देख सकते हैं भाई इस टाइम पे रात के अंधेरा, टाइम कितना आ रहा है भैया, 12:34, अभी आपको धीरे धीरे कोहरे का नजारा शुरू होने लग गया है, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी चलने स्टार्ट हो गई है, अभी फिर भी ये कुछ भी नहीं है ना भैया, आगे आगे चल चल के तो अभी एक ऐसा सिनेरियो आएगा कि पता ही नहीं चलेगा इस टाइम पे कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, देखो आप देख सकते हो भाई एकदम वाइट हो गया, वाइट एकदम स्क्रीन एकदम सफेद, वही तो ट्रक ने भी अजीब सी ग्रीन लाइट रेड लाइट लगा के रखी हुई है, अच्छी आगे जा रहा है धीरे धीरे, यही इसी खड़े लाइट को फॉलो कर करके आगे जाएंगे भाई, बहुत तगड़ा हो रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है गाइस, मज़ा आ रहा है, इतनी ठंड हो रही है ना, मतलब इतनी ठंड में आपको बता नहीं सकता कि जैकेट के अंदर मैंने ये टोपी में पहना हुआ है, और भाई ये हम रुके हैं यहाँ पे पीछे वैष्णो ढाबा में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रॉपर वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा, और जो कि पड़ता है मुजफ्फरनगर से क्रॉसिंग बाईपास क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, और उसको एक और चीज़ बोलते हैं यहाँ पे खतौलियाँ पड़ता है, तो भाई पहले तो टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट करते हैं उसके बाद, और फिर थोड़ी चाय वाय पीते हैं, ठंड का नज़ारा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ओ भाई यू वॉन्ट बिलीव गाइज, लिटरली मैं ना हार्ट शिवर कर रहे हैं ऐसे, भाई मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा, पर इतनी लिटरली में इतनी ठंड हो रही है ना कसम से भाई, हाथ ही नहीं रुक रहा बिल्कुल भी नहीं, गिर ना जाए भाई, तुम्हारे लिए ब्लॉग कैसा शूट करूँगा मैं ओ भाई भाई बस 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 चाय की सोच के, ओ
भाई साहब बहुत ठंड हो रही है भाई, इसको पी के तो थोड़ा गर्म फील हो रहा है, हाथ देख रहा हाथ कैसे कांप रहे हैं भाई साहब। भाई रुक जा बाद में दिखाऊंगा तुम लोगों को चाय पी लो। भाई हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश भद्रकाली। ऋषिकेश भद्रकाली वो जगह है जिस जो लोग उत्तराखंड से हैं, जो लोग ऋषिकेश टिहरी साइड से हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि भद्रकाली कौन सा बेस है। भद्रकाली वो जगह है जहाँ पे आप टर्न लेते हो ऋषिकेश से अपर पहाड़ की तरफ, वहाँ से हमारे सारे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक यू नो माउंटेन सिनेरियो है। माउंटेन सिनेरियो क्या होता है कि आप 4:30-5 बजे से पहले पहाड़ में गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि अंधेरा है और एक्सीडेंटल प्रॉन एरिया होता है, तो उसमें रिस्क होता है कि सुबह दिखती नहीं है ना, अंधेरा वैसे ही होता है और उसमें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती है, तो इसलिए 5 बजे के बाद जब थोड़ा थोड़ा सूरज दिखने लगेगा आपको तभी आप अपनी गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग देखते हैं, अभी चाय वाय पीते हैं आराम से मजे से ऋषिकेश, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको वादियाँ। ये वादियाँ का कि उत्तराखंड की वादियाँ एकदम पहाड़ों में मस्त जगह, ठीक है। पापा जी अंदर गाड़ी में सो रहे हैं, पापा जी मैंने बोला चाय पियोगे, पापा जी कह रहे हैं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा भाई, मेरे को तगड़ी बड़ी ठंड क्योंकि मैं तो पीऊँगा चाय। भाई देख रहे हो आप लोग सुबह के 4 बजे मैं और भैया हमारे को हमारे साथ जा रहे हैं, हाय कर दो भैया और हमारी ऑडियंस को, ठीक है। इन भैया का नाम क्या भैया? दीपक भैया, ये भी चंबा के रहने वाला है, हमारे से मिले हैं। और देखो मतलब 4 बजे हम ऋषिकेश की सड़कों में पैदल पैदल चल रहे हैं भाई, इतनी ठंड हो रही है ना, ये गाड़ियाँ आ रही हैं मज़े से, देख सकते हो आप सही मज़े आ रहे हैं यार, मतलब मस्त लाइफ है यार। मतलब उत्तराखंड में ना कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति एकदम। इस टाइम पे तो दिल्ली में से पैं 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 बज जाने लग जाते हैं हॉर्न हॉर्न के, बट सही है, सुकून है यहाँ पे, मतलब बहुत सही है, मज़ा आ रहा है। अब देखें सीधा भद्रकाली का, आपको भद्रकाली से ऊपर का व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद अपने गांव का सीधा, कहीं नहीं दिखाऊंगा। और सोना भी तो होता है भाई, रात भर सोया नहीं हूँ। तो भाई हम लोग सुबह 5:30 भी नहीं बजे और हम लोग चंबा पहुंच चुके हैं, और मेरी हालत देख रहे हो भाई, पंखी वंखी हो रही है भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे। बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर जाके उतरे और फिर कुछ करें, कुछ चाय वाय पिए। भैया भैया कहाँ गए भैया 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 क्या हाल है भैया आपके? यार भैया की तो ठंड से हालत बुरी हो रही है भाई, खतरनाक मज़ा आ रहा है भाई। मतलब अभी मजे आएंगे 10-11 बजे के बाद, है ना, जब थोड़ा सा उजाला होने लगे ना, बढ़िया सा सूरज आने लगे ना, उसके बाद आपको वादियों में घुमाएंगे, है ना। अभी तो कुछ है भी नहीं, देखो बाहर मैं आपको देखूँ बाहर पूरा अंधेरा है, कुछ दिखा भी नहीं मेरे को, रोड पे भी नहीं दिखा। मैंने बहुत कोशिश करी मनाने की, थोड़े बहुत क्लिप्स आपको दिख जाएंगे, बाद बाकी और कुछ भी नहीं है कुछ। गुड मॉर्निंग गाइज, भाई सुबह हो चुकी है एकदम बढ़िया से, आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई क्या नज़ारे हैं यार पहाड़ के, है ना। अब गाइस क्या एक्चुअली क्या है, ये जो है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मेन रोड। अब यहाँ से हमारे गांव जाने के लिए ना, ये आपको ऊपर दिख रही होगी रोड, यहाँ से ऊपर जाती है इस पीछे वाले रास्ते से, यहाँ से ऊपर जाती है रोड, तो ये मतलब एक काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग लगा लो। अब तो खैर रोड पक्की हो गई है, बट थोड़ी बीच बीच में ऑफ रोडिंग आते रहेंगे। और भाई सिनेरियो सीन तो आपको अब दिखेंगे वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में, और फिर दिखाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग के सीन और बढ़िया बढ़िया सीनरीज सुबह सुबह के मौसम में। भाई ठंड मतलब बहुत मिनिमल है, मतलब दिल्ली से लगा लो 4-5 डिग्री लेस बस, और ज़्यादा नहीं कुछ। मिलते हैं फिर ऊपर, है ना, चलते रहेंगे। ये कुछ सुबह हमारी गांव का सीन, ये हमारे पापा जी जाते हुए आ गए। पापा जी ठंड लग रही नहीं लग रही? बहुत ठंड लग रही है। और भाई नज़ारा देख लो यार सुबह सुबह का, मतलब ओहो भाई जन्नत है, जन्नत जन्नत जैसे कहते हैं ना अल्टीमेट। और भाई ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे ना वाइट वाइट खेतों में जो सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओस, जो कि हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है पाला, पाला पड़ता है ना पाला, तो दिखता है ये स्नो की तरह वाइट, बट ये होती ओस है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाइट दिख रहा है, ये ऐसी ऐसी वाली होती है, ये वाइट हो रखी है घासें।
भाई मैं देख रहा सामान उठाते हुए, भाई मजा आ रहा है, मतलब एकदम ना अल्टीमेट व्यू है। ओहो भाई सही यार, मतलब ना गांव की लाइफ ना एकदम सेटल्ड है यार। इधर कैमरा सही नहीं आ रहा, इधर सही आ रहा है। गांव की लाइफ ना मतलब इतना मस्त है यार। सुबह सुबह उठो आराम से वादियों में, ठंडी ठंडी वादियों में। ओहो मेरे पीछे पहाड़ देख लो यार ऊपर, भाई अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आ रहा है भाई। क्या सीन है यार, पीछे सूरज देवता उधर उगते हुए, या सूर्य नमस्कार कर दिया भाई, क्या सिनेरियो है यार, मजा आ रहा है बहुत सही। ओहो तो गाइज मैंने सोचा है कि इस व्लॉग को ना यहीं पे जब घर पहुंच जाऊंगा तो वहीं पे एंड कर देंगे, देन उसके बाद आपको सेकंड पार्ट दिखाएंगे ना, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा देखते भी नहीं यार, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं बाद में। अभी तो अभी दिखाऊंगा आपको, उसके बाद जैसे घर पहुँचेंगे एंड कर देंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा नेक्स्ट डे का, है ना, डे टू का। ओके अभी आपको दिखाता हूँ जरा। गाइस देख रहे हो भाई क्या यार, मतलब मज़ा ही लगा, देख रहे हो मज़ा, मज़ा जिसे कहते हैं मज़ा, लाइफ के मज़ा यहाँ है। ऊपर देखो ये पूरे पहाड़ है, और ये जो आप ये ब्राउन ब्राउन घास देख रहे होंगे ना यहाँ पे, पापा इनको क्या कहते हैं, ये ब्राउन ब्राउन जो पेड़ों में लगा रखा है, पुरेल्टा बोले तो, ये सूखी हुई घास होती है गाइस। क्या होता है ना सर्दियों में ना, ये पशुओं के लिए जैसे कि भैंस वैंस गाय वाई होती है ना, ताकि जैसे कि बर्फ वर्फ पड़ गई कभी तो खराब ना हो घास, इसलिए ना सुखा देते हैं घासों को ना, ताकि हम उनकी भैंसे वगैरह कुछ खा सकें भाई गाइस। और वो दिख रहा है जो नीचे जो धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में ना गाइस ये झील है, झील, इसका व्यू आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो पूरी ऊंस हो रखी है ना, कुछ दिखेगा नहीं अभी। आप नज़ारा देखते हुए बढ़िया तरीके से, और ये जो घर बन रहा दिख रहा होगा आपने घर, ये कंस्ट्रक्शन एरिया में, और ये जो भाई ये घर दिख रहा है ना आपको, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये घर अभी बन रहा है, ये हमारा ही है चाचा जी का, बड़े चाचा जी का घर बन रहा है, और अभी मतलब धीरे धीरे बनेगा ये अभी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कोविड के वजह से ना सामान वामान आ नहीं रहा था, अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है, तो अभी धीरे धीरे बनेगा, और जब बनने के बाद फिर इसका व्लॉग भी बनाएंगे आपके पास बहुत जल्दी। ये आप देख सकते हो ये घर, अच्छा एरिया में ना पापा, और इस घर का सामने से व्यू गाइस इतना प्यारा व्यू आता है ना, इतना प्यारा व्यू आपको दिखाऊंगा शाम के टाइम पे, बहुत मस्त व्यू आता है, सामने से झील दिखेगी आपको, खेत हैं, अच्छी जगह पे ना पापा, बहुत सही, पीछे का नज़ारा देखो, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, मतलब अगर इस टाइम पे जो सर्दी है ना, क्योंकि अभी ये सारे ना ब्राउन हो रखा है, जब थोड़ी हरियाली आती है गर्मियों के टाइम पे, मार्च अप्रैल के टाइम पे, ये सारी पूरी ग्रीनरी हो रखी होती है, और बहुत ही अल्टीमेट व्यू भाई। और गाइस ये पहुंच चुके हैं हम अपनी भैंसों के पास। हाँ भाई चतुरु गोपालू क्या हाल है तुम्हारे, ओ चतुरु ओ ठीक है तू, ओ ठीक है तू, ओ गोपालू चतुरु गोपालू, हाँ भाई ठीक है तू, ये तो हमेशा मार नहीं आता मेरे को, है भाई कान में प्यार करिए इसके ऊपर, पहले प्यार करिए इसके बार, एक बार प्यार कर दे भाई। यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, है ना, अब सेकंड पार्ट में दिखाएंगे आपको जब दिन में उठूंगा, अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दिन में सो के उठेंगे आराम से, है ना, उसके बाद फिर दिखाएंगे, दाल चावल खाएंगे बढ़िया तरीके से, मजा आना है। कहाँ है दादा, इसको इससे चाहते थे इससे मिले हुए तो पहले पहले व्लॉग में, हाय कर दे, हाय, है ना, क्या क्या बोलना है भैया, के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अपने आप ही बिन बोले, चल ठीक है ताली मार दे, बाय कर दे फिर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ना, बाय बाय।